आज कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान पर लखीमपुर में विशाल सभा का आयोजन करते हुए सांसद पद के प्रत्याशी व पूर्व सांसद जफर अली नकवी को भारी बहुमत से जिताने की अपील की। आगे आपको बताते चले कि सांसद जफर अली जी को उनके जन्मदिन के अवसर पर आज बधाई भी दी और भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए बताया कि सन 2014 में जो भी भाजपा सरकार ने वादे किए थे वह टोटल फ्लॉप रहे। वहीं राहुल गांधी जी ने यह भी बताया कि 22 लाख सरकारी नौकरियों के स्थान रिक्त पड़े हैं जिन्हें अभी तक भरा नहीं गया। उन्होंने युवाओं को संदेश देते हुए कहा कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वह 2 महीने के अंदर यह 22 लाख रिक्त स्थान युवाओं के हवाले कर देंगे। उन्होंने बताया कि सरकार बनते ही किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा और गरीब किसानों को 6,000 हर महीने यानी 72,000 सालाना दिया जाएगा। और राहुल गांधी जी ने यह भी बताया कि भाजपा सरकार ने किसी को नौकरी तो नहीं दी बल्कि किसानों को लूटा है, वहीं गरीबों को छला है। आज जानवर किसानों की फसलों को बर्बाद कर रहे हैं जिसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ भाजपा सरकार को ठहराया जा सकता है। और आगे उन्होंने बताया कि दिल्ली में हमारी सरकार बन रही है और अगर उत्तर प्रदेश में भी सरकार बनती है तो उत्तर प्रदेश के सभी सपनों को हम सच कर दिखाएंगे। और उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में आज किसानों को बहुत ही बदहाली का सामना करना पड़ा है जिसका जिम्मेदार कोई और नहीं भाजपा सरकार है। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में 25 लाख गन्ना किसानों का 10,000 करोड़ रुपए बाकी है मोदी और योगी राज में। और यह भी बताया कि इनकी राज में नीरव मोदी लोग 40 करोड़ लेकर ऐश करने के लिए भाग जाते और गन्ना किसानों का पैसा आज भी नहीं चुका पाए। और आपको बताते चले कि राहुल गांधी जी ने यह भी बताया कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। आज उत्तर प्रदेश में किसान बदहाल है, व्यापारी बदहाल है, यहाँ तक कि हर एक शख्स परेशान है। इतना कहते हुए राहुल गांधी जी ने सभी से अपील की कि कांग्रेस पार्टी को भारी बहुमत से जिताएं। मैं TV1 इंडिया न्यूज चैनल से क्राइम संवाददाता लुकमान रजा लखीमपुर खीरी से और इस वक्त मैं मौजूद हूँ लखीमपुर खीरी के राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान पे, जहाँ पे अभी अभी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी आए हुए थे और उन्होंने जो है बहुत ही चर्चाएं की और जो है एक महासभा को जो है विशाल महासभा को जो है संबोधित कर जफर अली नकवी के लिए वोट की अपील की। और आइए यहाँ से चर्चा करते हैं लोगों से क्या राय है लोगों का। मेरा नाम है शादाब ना पहले यहाँ आ जाओ बिगड़ी है माहौल जो है कांग्रेस के पक्ष में है और कांग्रेस पार्टी को सभी लोग सारे चाहे काश्तकार हो चाहे रोजगारी लोग हो चाहे छोटे मजदूर लोग हो सभी लोगों के लिए जो कांग्रेस पार्टी करने जा रही है इसमें सभी के हित के लिए है और सभी लोग चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी आगे आए और पूरी तरीके से मतलब जो है कांग्रेस पार्टी पूरी मतलब जो है आने वाली है। अच्छा आपको क्या लगता है जैसे कि प्राइम मिनिस्टर जो रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उन्होंने जो घोषणा पत्र पे वादे किए थे जिस तरह उन्होंने जो है उन वादों को जो है अनदेखा कर दिया अनसुना कर दिया कि आपको लगता है कि राहुल गांधी जी जो है अपने घोषणा पत्र पे किए हुए वादों पे अटल रहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल अटल रहेंगे। कभी मतलब जो है कांग्रेस पार्टी ने पहले तो कभी वादे ही नहीं किए और जो वादे किए वो पूरे किए, उससे पहले जो वादे नहीं किए उसके अलावा भी उन्होंने काम किया और ये तो इसीलिए जनता का पूरा विश्वास है और पूरा मतलब विश्वास है कि जो राहुल जी कह रहे हैं ये करेंगे और बिल्कुल करेंगे, इसलिए जनता उनके साथ जुड़ रही है और पूरा माहौल बदलेगा उत्तर प्रदेश का नहीं पूरे हिंदुस्तान का माहौल बदलेगा। अच्छा आपको क्या लगता है राहुल गांधी जी ने ये कहा कि जो है 22 लाख नौकरियां यहाँ पे जो है पूरी खाली हैं और वो जैसे ही सत्ता में आते हैं अगर उनकी गवर्नमेंट बनती है तो वो 22 लाख नौकरियां जो है 2 महीने के अंदर आपके हवाले कर देंगे, तो इस बारे में आपकी क्या राय है? देखिए राहुल जी ने जो एक साल में जो भी उन्होंने कहा है जो भी उन्होंने निर्णय लिया है बहुत सोच समझ के लिया होगा क्योंकि हमारे नेता जो भी लोग फैसला लेते हैं बहुत सोच समझ के लेते हैं और हम ये जानते हैं फैसले हमारा मानना है। जी क्या नाम है अंकल जी आपका? यादव कमलापुर से। अच्छा कमलापुर से हैं कमलापुर। अच्छा आप क्या राय रखते हैं किसको देखना चाहते हैं इस बार प्रधानमंत्री के रूप में? तो कहते हैं प्रधानमंत्री हर पंचवर्षीय योजना बदलना चाहिए हाँ, क्योंकि जो प्रधानमंत्री नया आएगा वो नया कार्य करेगा। अच्छा जो नया आता है वो नया कार्य करेगा है। हमारे राहुल जी सर्वप्रथम युवा होते हुए नया कार्य करेंगे। एक उन्हें बताया युवा के लिए कि कोई भी रोजगार करे। अच्छा कौन से कारण ऐसे रहेंगे जिनकी वजह से जो है भाजपा गवर्नमेंट को जो है मतलब मात खानी पड़ेगी और जो है इस लिए जो है आप लोग गवर्नमेंट को बदलना चाहते हैं, क्या कारण है? कारण ये है कि जो हम वादे करते हैं किसी भी वादे हम करें वो पूरे नहीं करते तो हमारे खिलाफ पब्लिक हो जाती है, कोई भी खिलाफ हो जाता है। जब वादे किए उन्होंने तो कोई वादा नहीं पूरा हुआ, सब पब्लिक खिलाफ। धन्यवाद। क्या नाम है अंकल जी आपका? हफ्ते से
जी, आप ये बताएं, जो अभी भी राहुल गांधी जी ने मंच पे एक बात कही कि 6,000 रुपए पर मंथ और सालाना 72,000 रुपए हर गरीब के खाते में दिए जाएंगे, इस बारे में आप क्या राय रखते हैं? उनके ये राय तो बहुत अच्छी है, क्योंकि वो जो कहते हैं, वादा करते हैं, वो पूरा करते हैं। बगैर कहे तो पूरा कर देते हैं, और कहने पर तो पूरा करेंगे, क्योंकि 3 राज्यों में उन्होंने वादा किया कर्ज माफी का, और 10 दिन का टाइम लिया, लेकिन 3 दिन के अंदर उन्होंने माफी कर दी है। जी जी, तो उनका जो भी वादा करते हैं, जुमलेबाजी नहीं करते हैं। आपके हिसाब से सबसे अधिक जुमलेबाजी कौन करता है, किसकी गवर्नमेंट है? भाजपा की है। कितना जुमलेबाजी हुआ, कितना कितना हुआ, नौकरी देंगे। क्या भाजपा गवर्नमेंट ने जैसा कि कहा था गंगा सफाई होगी, तो क्या गंगा की सफाई की गई? गंगा की सफाई कहीं नहीं हुआ है, पता नहीं कितना। अच्छा, जो 15 लाख रुपए पर गरीबों के खाते में डालने को बोला गया था, क्या वो भाजपा गवर्नमेंट ने डाला? किसी को नहीं डाला, किसी को नहीं डाला, किसी को नहीं डाला। कोई ऐसा एक लाभ बताएं जो भाजपा सरकार से आपको मिला हो? भाजपा सरकार से तो हम देश में देख रहे हैं कोई लाभ नहीं है, सब नुकसान है। भाजपा ये उनसे और यहाँ योगी से चाहे मोदी से सब नुकसान हुआ है। हमारे किसानों को कोई लाभ उन्नत हुई? कोई किसान को कुछ नहीं मिला, सब नुकसान हुआ। देसी गायों से नुकसान हुआ, जानवरों से, हाँ ये से नुकसान हुआ। और नहीं नहीं गया भाई, बताइए खाद किसान केवल लेता है, खाद पे महंगाई चली गई। अच्छा, खाद पे जैसे कि सब्सिडी है 472 रुपए या लगभग 72-75 समथिंग है, तो वो सब्सिडी आपको मिलती है क्या? नहीं मिलती। यानी कि आपको खाद पे जो सब्सिडी आ रही वो भी नहीं है? भी नहीं। दोस्तों धन्यवाद, आपने अभी अभी देखा TV1 इंडिया न्यूज चैनल से क्राइम संवाददाता लुकमान राजा लखीमपुर खीरी, और आपने देखा कि यहाँ पे जो है बहुत ही अधिक जो है भाजपा गवर्नमेंट को लेकर लोगों में आक्रोश, और वहीं पे राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी के लिए बहुत ही सराहनीय वादे, और उनके वादों पर लोगों को अटल विश्वास और एक यकीन है। धन्यवाद दोस्तों। TV1 इंडिया न्यूज के लिए लुकमान रजा की रिपोर्ट, लखीमपुर खीरी। लखनऊ में संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी आचार प्रमोद कृष्णम के पक्ष में आज लखनऊ उत्तर विधानसभा क्षेत्र में डालीगंज चौराहे पर शहर कांग्रेस कमेटी लखनऊ द्वारा विशाल जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि लोकसभा का या आम चुनाव नहीं, देश के भविष्य का चुनाव है। वहीं 5 वर्षों से जो सत्ता में है उन्होंने नफरत की राजनीति की, इसके हाथों में देश सुरक्षित नहीं है। साथ ही आचार प्रमोद कृष्णम ने कहा कि जो लोग आज हमसे पूछते हैं कि देश का प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी से कौन बनेगा, तो कांग्रेस पार्टी और मेरा जवाब है कि उनके लिए है कि भारत देश की जिस पवित्र जमीन पर जिसके पिता का लहू गिरा है वह प्रधानमंत्री बनेगा। उन्होंने भाजपा के जुमलों पर चुटकी लेते हुए कहा कि विगत दिनों 3 राज्यों में हुए चुनाव में कांग्रेस को जिस प्रकार आम जनता का व्यापक जन समर्थन मिला और सरकार बनी, उसमें राहुल जी ने किसानों के मुद्दे पर कर्ज माफी का जो वादा किया था उसे 48 घंटे में न सिर्फ पूरा कर दिया बल्कि मध्य प्रदेश में तो सरकार के शपथ के तुरंत बाद ही वादा पूरा किया गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के वादे तो 5 वर्ष बीत जाने के बाद भी आज तक पूरे नहीं हुए। साथ ही उन्होंने कहा कि लखनऊ में विगत 3 दशकों से भाजपा का सांसद होने के बावजूद भी जनता के साथ विश्वासघात किया गया, आज लखनऊ विकास के नाम पर कोसों दूर है। वही मूलभूत सुविधाओं के लिए लखनऊ वासी तरस रहे हैं। भाजपा के प्रत्याशी जो सिर्फ घोषणाओं के लिए जाने जाते हैं, इस चुनाव में लखनऊ की जनता इन्हें सबक सिखाने के लिए तैयार है, वही नफरत को हराने के लिए तैयार है। उन्होंने लखनऊ वासियों को विश्वास दिलाते हुए कहा कि यदि आप मुझे प्यार दिया और सेवा का मौका दिया, तो आज जिस प्रकार लखनऊ में अटल जी के नाम पर वोट मांगने वाले पोस्टरों बैनरों में अटल जी का नाम तक गायब किए हुए हैं और उनके अस्थियों को लेकर सियासत करने से बाद नहीं आए हैं, कल की पीठ अटल जी की भव्य प्रतिमा लखनऊ में स्थापित कराएगी। वहीं जनसभा में प्रमुख रूप से शहर अध्यक्ष श्री बोधलाल शुक्ला, एडवोकेट पूर्व मंत्री श्री सतीश शर्मा, पूर्व विधायक श्री श्याम किशोर शुक्ला, हनुमान त्रिपाठी, श्री अजय श्रीवास्तव, राकेश नाथ महाराज, श्री गंगा सिंह एडवोकेट, श्री गोपाल कृष्ण पांडे, सुनील तिवारी, सुशील तिवारी, सोनू पंडित, द्वारिका प्रसाद शुक्ल सहित हजारों की संख्या में कांग्रेस जन एवं स्थानीय जन मौजूद रहे। TV1 इंडिया न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, लखनऊ। कस्बा लखना के रानी साहिबा के फूलबाग श्री विष्णु लक्ष्मी भगवान के मंदिर के सामने फिल्मी कलाकार हास्य अभिनेता अशरानी ने बुधवार को दोपहर इटावा संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर रामशंकर कठेरिया के समर्थन में एक नुक्कड़ सभा करके कस्बा के लोगों से वोट मांगते हुए फिल्म शोले की तर्ज पर कहा कि थोड़े इधर जाओ, थोड़े उधर जाओ, बाकी सब रामशंकर कठेरिया के साथ जाओ, बल्कि सबके सब भाजपा के साथ जाओ। फिल्मी अभिनेता अशरानी ने कहा कि जितना सम्मान हमें लखना में मिला उतना विदेशों में भी न मिला। डॉक्टर रामशंकर
शंकर कठेरिया को डॉन बताते हुए कहा कि वह इटावा की गुंडागर्दी खत्म कर देंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र की सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से उपस्थित मतदाताओं को जानकारी देते हुए कहा कि करोड़ों महिलाओं को गैस कनेक्शन, 9 करोड़ शौचालय का निर्माण तथा किसानों को सम्मान निधि 6000 रुपए भी दे रहे। वहीं मतदाताओं के वोट को सोने का सिक्का बताते हुए कहा कि भारत का भविष्य आपके हाथ में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाजपा सरकार सबका साथ सबका विकास चाहती है। साथ ही आयुष्मान योजना के तहत करोड़ों लोगों को इलाज फ्री किया जा रहा है। वहीं आसानी की झलक पाने के लिए बेताब दिखी जनता की फरमाइश पर अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं, हमारे जासूस कोने कोने में लगे हैं, आहट आदि डायलॉग बोलकर लोगों को खूब हंसाए और सभी को नमस्कार और प्रणाम किया। वहीं जनसंपर्क नुक्कड़ सभा के दौरान लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर राम शंकर कठेरिया, भरतना विधायिका सावित्री कठेरिया, भाजपा जिला अध्यक्ष शिव महेश दुबे, भाजपा नेता हरनाथ सिंह कुशवाहा, रामानंद त्रिपाठी, प्रभात महेश्वरी, अशोक दीक्षित, ऋषभ शुक्ला, संजीव त्रिपाठी, आदित्य मोहन शर्मा, राम कुमार चौधरी मौजूद रहे। वहीं राजबहादुर डिग्री कॉलेज के हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर से उतरने पर भाजपा नेताओं ने फूलमाला पहनाकर उनका स्वागत किया। पटना के लोगों को नमस्कार, प्रणाम, राम राम। ये दुबे जी, डॉक्टर राम शंकर कठेरिया जी यहाँ पर बैठे हैं, सावित्री जी आपने ऐसी भाषा बोलनी पड़ता, मेरे को आती नहीं है ऐसी, कैसे बोलते हैं, बहुत कमाल के आप लोग बोलते हैं, आप लोगों को सीखना पड़ेगा। अरे हट गया, हो गया ना यार, पढ़ते पे हमको लिख के देता है राइटर, तब हम बोल सकते, जो डायरेक्टर बोलता हम बोल अभी कर सकते, यहाँ तो कोई डायलॉग नहीं कुछ नहीं, एक कमाल जोरदार ताने वाली फेर ले, पर हमको ऐसे नहीं लगते। देखिए हमको जो सिनेमा के पर्दे पर करना पड़ता है वो ठीक है, मगर आप लोग जो करते हैं, मैं तमस्सर हो गए डॉक्टर राम शंकर कठेरिया का प्रणाम करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया, मुझे सिर्फ मेरा सम्मान नहीं किया, हिंदुस्तान की पूरी फिल्म इंडस्ट्री का सम्मान किया। और ये लोग ये रियल बोलते, ये सच्चे लोग, या तो बोलते नहीं, अगर बोलते तो करते, और नहीं करते माफ करते, हम नहीं करेंगे। मैंने देखा आगरा, सर आप लोग को बताऊं, मैं आपको आगरा में डॉक्टर राम शंकर कठेरिया इनको लोग बोलते थे डॉन आगरा, डॉन आगरा, डॉन आगरा, मैं बोला डॉन को इब्राहिम डाउन थे, बोले नहीं उसका हाफ ही, गुंडा धरती को खत्म करके आगे मेरे सामने सामने कौन हो, पूरे आगरा में भयंकर तूफान आया और डॉक्टर राम शंकर कठेरिया के ध्यान में कोई गुंडा फैल नहीं पाया, समाप्त कर दिया पूरी गुंडा गुंडा। इसको बोलते नेता, इसको बोलते असली डॉन, ये नकली डॉन बंदूक लेके पीछे खड़े होते हैं गोली मारते, अबे सामने आके मार, क्या बात बोलते हो, एक बात जो प्रभावित आपसे बहुत प्रभावित, इन्होंने बोला है अब ये कर सारी घटना घटी काम से खत्म कर, और ये बहुत बड़ी बात, एक बार आपने मुझे बुलाया था हरताना, हरताना गांव में लग गया सराबा, छोटा काम 2016 और मैं वहां पर गया, मैंने देखा छोटा स्कूल, शांति गर्ल्स पब्लिक स्कूल, ये बहुत आपको लगेगा ये क्या यार क्या बोल रहा है, मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको, शांति गर्ल्स पब्लिक स्कूल छोटे गांव में माँ बाप अपनी बच्चियों को बच्चों को डर करते थे इस शहर में जाएगी कैसे पढ़ेगी, कौन आएगा, अशिक्षित रहेगी, अशिक्षित रहेगी मेरी बच्ची, जब डॉक्टर साहब ने खोला
उस सारे माँ बाप के डर निकल गए कि हमारी बच्चियाँ यहीं पर पढ़ेंगी, शिक्षित होंगी, अच्छे बच्चे पैदा होंगे, संस्कारी होंगे और देश के साथ में काम टीवी वार इंडिया न्यूज के लिए दीपक राजपूत की रिपोर्ट, इटावा। कानपुर के जीआईसी मैदान में गठबंधन प्रत्याशी के पक्ष में विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। इस सभा में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों के साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी, सपा विधायक इरफान सोलंकी व अमिताभ वाजपेयी के साथ पूर्व मंत्री अहलूवालिया आदि लोगों ने सभा को संबोधित किया। वहीं अखिलेश यादव जी ने अपने संबोधन में समाजवादी पार्टी के विकास कार्यों को भी बताया। उन्होंने कहा कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वे महिलाओं को 500 की जगह 3000 समाजवादी पेंशन देंगे। उन्होंने गठबंधन प्रत्याशी व पूर्व विधायक राम कुमार के पक्ष में वोट करने की अपील की। साथ ही माननीय अखिलेश जी ने बीच बीच में अपने संबोधन में भाजपा पर निशाना साधा। योगेंद्र सिंह की रिपोर्ट, कानपुर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिविल लाइन गोकुल अतिथि भवन में पदाधिकारियों को गुरु मंत्र देने के बाद महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में चल रहे कार्यों को देखने पहुंचे, जहां पर कार्यदायी संस्था को कार्यों में तेजी व गुणवत्ता युक्त करने के लिए निर्देश दिए। फिर गोरखनाथ मंदिर पहुंचकर गोरक्षनाथ बाबा के आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात गोरक्ष पीठाधीश्वर ब्रह्मालीन महंत अवैधनाथ जी के समाधि स्थल पर मथा टेक कर आशीर्वाद लिया। टीवी वार इंडिया न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, गोरखपुर। जनपद लखीमपुर खीरी में कुछ दिन पहले थाना रामगांव के अंतर्गत राधाकुंड गांव में एक व्यक्ति और उसकी पत्नी पर तेजाब फेंका गया था, जिसके चलते पुलिस ने छानबीन की और बड़ी कामयाबी हासिल की। वहीं तेजाब फेंकने वाले को पकड़ लिया गया और बताया जाता है कि तेजाब फेंकने वाला उस व्यक्ति का भांजा ही था जिसने फेंका था अपने मामा और मामी के ऊपर तेजाब, क्योंकि वह मामा की लड़की के साथ शादी करने के चक्कर में था। लेकिन उसके मामा और मामी इस शादी के खिलाफ थे, जिसके चलते लड़के ने उस पर तेजाब फेंककर उनकी देखरेख कर खातिर कर उन्हें मनाना चाहता था कि उनकी शादी के लिए वह मान जाए, लेकिन हुआ कुछ उल्टा ही। बच न सका वह बहराइच पुलिस से और जल्दी पकड़ में आ गया और पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। टीवी वार इंडिया न्यूज के लिए लुकमान रजा की रिपोर्ट, लखीमपुर खीरी। उत्तर प्रदेश में पुलिस अधीक्षक नगर पूर्वी श्री सुरेंद्र चंद्र रावत के कुशल निर्देशन में सर्विलांस सेल प्रभारी संजय शुक्ल व पुलिस टीम द्वारा विभिन्न कंपनियों के कुल 51 मोबाइल फोन कई जिलों से बरामद किए गए। वहीं अपने खोए हुए मोबाइल फोन को पाकर नागरिकों ने सर्विलांस सेल प्रभारी संजय शुक्ल व उनकी टीम की प्रशंसा की। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए रोहित उपाध्याय की रिपोर्ट, लखनऊ।
इलेक्शन पर। लखीमपुर खीरी में अचानक खेत में लगी आग, गेहूं की फसल जलकर हुई नष्ट। आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी बेहजम क्षेत्र के बाछीपारा गांव के राम मूर्ति के गेहूं के खेत में लगी आग, लगभग एक एकड़ से अधिक गेहूं की फसल जलकर नष्ट हुई। वहीं गाँव वालों ने मौके पर पहुंचकर बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए अनमोल अवस्थी की रिपोर्ट, लखीमपुर। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर राजीव सिंह जादौन से किसानों की समस्या को लेकर हमारे संवाददाता धर्मेंद्र कुमार ने खास बातचीत की। वहीं मौके पर मौजूद रहे मंडल अध्यक्ष मांगेराम त्यागी। हमारे बीच मौजूद हैं ठाकुर राजवीर सिंह, प्रदेश अध्यक्ष किसान यूनियन। आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। सर, मुझे आपसे पूछना कि सरसों का कोई भी अभी तक सरकारी क्रय केंद्र क्यों नहीं बनाया गया? स्वागत आपका भी है, किसानों के बीच में आप आए हैं हमारी बात को देश और दुनिया में ले जाने के लिए। आपका प्रश्न बिल्कुल वाजिब है, सरसों का क्रय केंद्र नहीं बना है, बनना चाहिए, हम लोगों की डिमांड है इस बात की। इस समय का इसका सरकारों का फोकस केवल इलेक्शन पर है। अभी तक दलहन के भी क्रय केंद्र कहीं भी नहीं खोले गए, दलहन के भी जो ऑथराइज्ड है उनको खुल जाना चाहिए था, वो भी नहीं खोले गए। और सरसों का क्रय केंद्र निश्चित रूप से जो सरसों के इलाके हैं वहाँ क्रय केंद्र होना चाहिए और कम से कम जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो मिलना चाहिए। एक ये वो क्रांति हुई थी, किसान क्रांति यात्रा, जिसमें 11 मुद्दे थे। सरकार से आपने बातें की हैं, उस मुद्दे में से अभी तक कोई मतलब धरातल पे आया या अभी सब पेंडिंग पड़े हुए हैं? देखिए, सरकारों का अपना एक नज़रिया है कि वो साधारणतः किसानों की बातों को नहीं मानना चाहते। हम लोगों के पास एक ही शस्त्र है, आंदोलन। और इतना बड़ा आंदोलन किसान क्रांति यात्रा हुई जिसमें मीडिया का भी बड़ा योगदान रहा, हम धन्यवाद करना चाहेंगे। रही बात मुद्दों की, तो मुद्दों की जितने भी हमारे मुद्दे थे सारे मुद्दों पर सहमति बनी थी, जिनमें एक एनजीटी से था जो ट्रैक्टर 10 साल पुराने डीजल इंजन है उन पर प्रतिबंध वाली बात थी। आज हमारे इंजन बराबर चल रहे हैं, ट्रैक्टर चल रहे हैं, कहीं कोई छेड़खानी नहीं है। मनरेगा को खेती से जोड़ने वाली बात थी, किसानों को पेंशन वाली बात थी, कर्जा माफ़ी की बात थी और डेढ़ गुना लागत से डेढ़ गुना हमको लाभकारी मूल्य की बात थी। तो सरकारें कर रही हैं, लेकिन वो श्रेय किसान को नहीं देना चाहती, वो श्रेय स्वयं लूटना चाहती है। करना पड़ेगा इनको, जो भी मुद्दे हमारे रह गए हैं इलेक्शन बाद फिर हम आंदोलन के माध्यम से करवा के रहे। सरकार के सामने सबसे बड़ा मुद्दा है गन्ने का भुगतान जी। जैसे कि हाल ही में अभी इलेक्शन हुआ है, सरकार हमें हमारा भुगतान करेगी, तो आपने क्या सोचकर किसे वोट किया या क्या सोचा सरकार? हम लोगों की तो एक ही सोच है कि हम ऐसी सरकार को लाएं जो किसानों की समस्याओं का समाधान करे, किसानों की बात ना करे, किसानों का काम करे। पहले एक बात होती थी कि जो किसान की बात करेगा, अब नहीं, जो किसान का काम करेगा वो दिल्ली पर राज करेगा। किसान का काम नहीं करेंगे तो हम साधारणतः सरकारों को चैन से नहीं बैठने देंगे, ये निश्चित बात है। आपको लगता है कि आने वाले टाइम में गन्ना भुगतान टाइम से होगा अगर कोई सरकार बनेगी? बिल्कुल टाइम से ले लेंगे, ये हमारा हक है, हमारी पैदावार है जो इनके पास पड़ी हुई है। दुनिया का कोई भी तबका उधार में धंधा नहीं करता है, किसान उधार में धंधा कर रहा। अभी इन्होंने वादा किया था कि इलेक्शन में हम पैसा देंगे सभी का, इन्होंने नहीं दिया है। इलेक्शन बाद हम इनसे लेकर के रहेंगे और अगर नहीं देंगे तो जो मिल मालिक हैं, इनके जो साइड में धंधे चल रहे हैं, कोई मोटर का धंधा कर रहा, कोई डिस्टलरी का धंधा कर रहा, कोई और काम कर रहा, हम इनके साइड के धंधे भी बंद करा देंगे। जो 11 मुद्दे हुए थे सरकार के साथ, आपके फैसले जो हुए थे, उनमें से अभी तक कोई फैसला धरातल पर आया या सारे रोके पड़े हैं? धरातल पर आए तो हैं, क्या हम बताइए, ऐसा नहीं धरातल पर ना आया हो, धरातल पर आए हुए हैं फैसले। जैसे इन्होंने तत्काल गेहूं का उस समय रेट घोषित किया था, और आपका जो किसानों की पेंशन वाली बात आई है, किसानों को हम लोगों ने कहा था कि मनरेगा को इससे जोड़ा जाए, तो इसका रूप ये निकाला गया था कि मनरेगा से कैसे जोड़ा जाएगा। तो ये आया था कि कम से कम ये देख लिया जाए कि एक हेक्टर में किसानों के कितने मजदूर लगभग आएंगे, उनको मनरेगा के हिसाब से पेमेंट कर दिया जाए। इन्होंने उसका दूसरा रास्ता निकाला कि हम किसानों को 6,000 करके या 2,000 करके देंगे, लेकिन ये सफिशेंट नहीं है। उनको उसी लाइन पर आना पड़ेगा कि मनरेगा जैसी महायोजना को, खेती जैसी महायोजना में इनको शामिल करना ही पड़ेगा। नहीं, 6,000 रुपये की जो योजना है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा निकाली गई है जी। अगर आने वाले टाइम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं रहते हैं, दूसरी सरकार चेंज होगी, तो क्या ये जो स्कीमें पर्टिकुलर चलती रही किसानों के प्रति, या चेंज हो जाएगी इसमें कुछ? हमें ऐसी किसी भी योजना में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमें अपनी फसल का लाभकारी मूल्य चाहिए, हमारे खेती के धंधे को लाभकारी बनाएं, फ़ायदे का धंधा बना दें। हमें इस तरह के किसी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। जैसे दुनिया के सारे धंधे लाभकारी हैं, कोई भी आदमी 1,000 का लागत लगा करके अगले साल 10,000 का मालिक हो जाता है, खेती क्यों नहीं ऐसा हो?
खेती भी लाभकारी धंधा हो, हमें किस तरह की किसी प्रकार की सहायता की जरूरत नहीं है। हमारे केवल पहले लागत तय कर ली जाए कि हमारे एक कुंटल गेहूं में कितनी लागत आ रही है, उसको उसमें डेढ़ गुना जोड़ करके। विवान इंडिया न्यूज़ के लिए धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट, बुलंदशहर। हमीरपुर सदर के कस्बे भरवा सुमेरपुर में आज सुबह एक बालू से भरे ओवरलोड ट्रक ने कमलेश तिराही के पास एक बाइक सवार को कुचल दिया, जिससे बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई, जिससे शव पूरी तरह से छत विछत हो गया, जिससे उसकी बाइक के आधार पर उसकी पहचान हो सकी। वहीं मृतक का नाम गोली दुबे पिता छुटकू महाराज निवासी चांदोक राम मंदिर सुमेरपुर बताया जा रहा है। सीओ सदर स्थानीय पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद हुए। कुछ दिन पहले सदर पुलिस अधीक्षक अपनी पूरी टीम के साथ ओवरलोड ट्रकों के ऊपर कार्यवाही करते हुए 35,000 रुपए की राजस्व की वसूली का दावा किया था और ट्रकों का चालान करके छोड़ दिया था। वहीं कार्यवाही होने के बावजूद ट्रकों का ओवरलोड करके चलना बंद नहीं हो रहा। स्थानीय लोगों का कहना है कि नेताओं से लेकर हमीरपुर के प्रशासनिक अधिकारी और बालू माफिया की मिली भगत के कारण ही ये ओवरलोड ट्रक चलाए जाते हैं। इनकी कमीशन सभी लोगों के पास भेजा जाता है, इस वजह से ट्रक माफियाओं का कोई डर नहीं रहे। वहीं सभी लोग मिलकर सरकारी खजाने में चपत लगा रहे हैं। आपको अवगत करा दें कि NH 34 से कानपुर से सागर रोड में आए दिन ओवरलोड एवं हाई स्पीड ट्रकों से आए दिन कोई ना कोई इंसान अपनी जान गंवानी पड़ती है। वहीं आपको अवगत करा दें कि अब तक इस हाईवे से 5,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। स्थानीय लोगों ने मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री तक को अवगत करा चुके हैं, पर सरकार को शायद कोई फर्क ही नहीं पड़ता। विवान इंडिया न्यूज़ के लिए रविंद्र कुमार भारतवंशी की रिपोर्ट, हमीरपुर।